हेलो गाइस, डिजाइन शो डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। सो मैं आज आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कैसे यहां पर आप पिलो की मॉडलिंग कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, जस्ट आपको दो मिनट में मैं सिखाने वाला हूं। वीडियो ड्यूरेशन भी देख सकते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। सो उससे पहले अगर गाइज आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहे। चलिए बनाना कैसे उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। यहां पर मैं रेक्टेंगल कमांड ले लिया हूं। रेक्टेंगल को जब आप मूव करोगे तो आप अपने कर्सर पर एक गोल्डन रेशियो काइंड ऑफ देख पाते हो। सो आप इसको यहां पर ऐसा क्लिक कर देंगे, करने के बाद आप डबल क्लिक करेंगे और यहां पर ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, मेक श्योर आपके पास ये प्लगइन जो कि क्लॉथ वर्क है ये होना जरूरी है, जिसकी मदद से जस्ट विद इन अ मिनट आपके पास पिलो रेडी है। राइट क्लिक करूंगा, यहां पर ग्रुप बनाने के बाद क्लॉथ वर्क का ऑप्शन आएगा, मेक क्लॉथ पे आपको क्लिक करना है। अगेन राइट क्लिक करेंगे, क्लॉथ वर्क पड़ जाएंगे, वन क्लॉथ दिख रहा है बिकॉज मैंने एक क्लॉथ को असाइन कर दिया है। यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है क्वाड ग्रिड, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मेक श्योर यहाँ पर आपका 4000 हो, पिलो के लिए इतनी डिटेलिंग काफ़ी है। सो बेसिकली इसने काफ़ी सारे इसके अंदर ग्रिड्स क्रिएट कर दिए हैं 4000 जब मैंने क्लिक किया। अब पिलो के ऊपर ना कुछ काइंड ऑफ हल्की सी थिकनेस होती है, तो वो थिकनेस डिसाइड करने के लिए आप लाइन कमांड को एक्टिव करेंगे और यहाँ पर कर्सर को मूव करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डायमेंशन बॉक्स के अंदर जो हमारी लेंथ है 1/4 है। सो अगर आपको यही लेंथ चाहिए तो आप अगेन क्लॉथ को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्लॉथ वर्क पर जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा ये जनरेट थिकनेस। सो जनरेट थिकनेस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने डिसाइड किया 1/4 इंचेस और हिट कर देंगे एंटर, तो वो पर्टिकुलर थिकनेस आपकी यहाँ पर विजुअल हो जाएगी। देन यहाँ पर ये थी आपकी क्लॉथ की सेटिंग। अब यहाँ पर सिमुलेशन को हमें स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्लॉथ वर्क के अंदर जो पहला ऑप्शन है टॉगल UI, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास सिमुलेशन है, सिमुलेशन में जाना है। जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ बस आपको उतनी ही करनी है। यहाँ पर आप इसको बिल्कुल जीरो कर लेंगे या 0.1 के अराउंड पर कर लेंगे और फिर आना है क्लॉथ पर। क्लॉथ पर आने के बाद डायरेक्टली स्ट्रेच और प्लस आपका बेंड दोनों को फुल कर लेंगे। मेक श्योर प्रिवेंट शेप को आप यहाँ से हटा दें। हटाने के बाद आपको प्ले पर ऐसा क्लिक कर देना होगा। प्ले पर क्लिक करते ही आपका जो पिल्लो है यहाँ पर ऐसा फूलना स्टार्ट कर जाएगा, इसके अंदर हवा भरनी स्टार्ट हो जाएगी। और यस प्ले अगर आप छोड़ देंगे तो ये देखिए अभी मैंने छोड़ रखा और ये फूलते जा रहा है, राइट। बट गाइज यहाँ पर अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ सिमुलेशन को, तो आप इसके कॉर्नर को एक सही तरीके से नहीं देख पा रहे, राइट। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इवन इसमें रिंकल्स भी नहीं दिख रहे, तो अगेन आप यहाँ पर इसको प्ले पर क्लिक कर सकते हैं। नाउ हमें यहाँ पर स्ट्रेच की वैल्यू को कम करना है और उसके बाद बेंड की वैल्यू को मैं जीरो कर दूंगा, जिससे कि इसके ऊपर रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर स्टॉप पर क्लिक कर दूंगा, तो आपके सामने इस तरीके का एक पिलो का मॉडल रेडी हो जाता है। सो देखा गाइज यहाँ पर कितना आसान था। अब बारी है यहाँ पर मटेरियल अप्लाई करने की। सो गाइज मटेरियल अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर दो तरीके का यूज कर सकते हैं। मैं टॉगल ड्रैप पे अगर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये वापस से वो पहले वाले स्टेज पर हो गया, बट अगर मैं वापस से क्लिक करता हूं तो आप जैसा देख सकते हैं आपका मॉडल बन चुका है, राइट। सो गाइज यहां पर मैं इस पर्टिकुलर मटेरियल को सेलेक्ट करता हूं एंड ये मैंने गूगल से लिया था। यस यहां पर मैं इसको एक बार एक्सपोर्ट करूंगा और यहां पर मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। अब यहां पर इसका मैं सैंपल लेता हूं और इसके फर्स्ट फेज पर यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं। इवन मैं टोटल सब पूरे ऊपर नीचे कर देता हूं। करने के बाद मैं वापस से इसको ड्रॉप आउट करूंगा। जैसे ही मैं करूंगा आप देखेंगे इसके ऊपर मटेरियल आपका अप्लाई हो चुका है। सो गाइज ये था ना कितना आसान यहाँ पर करना। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो ये शॉर्ट वीडियो तो यार जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज ये आपका अपना इंडियन चैनल है और यार ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। सो घर पर रहे, मेरी और वीडियोज को देखें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।